ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन बियाटो। यार मेरे भाई, जब कोई दूसरी कंपाउंड साथ ना हो एलिमेंट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होता है। विच ऑफ फॉलोइंग हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये डिपेंड करती है चार्ज पॉजिटिव में ज़्यादा और साइज छोटा हो। तो देखो, सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में राइट टॉप पर मैग्नीशियम है, तो ऑफकोर्स मैग्नीशियम का होगा। हाँ, pH ऑफ 10^-3 एक्वस सोल्यूशन, ये लॉग की प्रॉपर्टी से निकालते हैं, स्ट्रेस ओवर की 2.69 आती है, तो अप्रॉक्सीमेट ऑफकोर्स 2.7 हो जाएगी, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है अकॉर्डिंग टू दैट। फिर व्हेन 5d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द इलेक्ट्रॉन विल गो टू। अब देखो, एक दिमाग लगाओ, 5d का मतलब है n की वैल्यू 5, l की 2, यानी 7, n प्लस l। अब या तो 7 में जाएगा या 8 में जाएगा, तो 6x5p में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 4f का भी 7 है, लेकिन देखो 4 दायरा 5 से छोटा है। अब ये जाएगा 6p में, क्यों भाई? 6p में भी n प्लस l तो 7 बन रहा है, लेकिन n की वैल्यू बढ़ी है। जब n प्लस l की वैल्यू बराबर हो, तो पहले किस में जाता है? जिसमें n की वैल्यू छोटी हो, फिर बाद में अगले में जाता है, तो ये जाएगा 6p में। फिर विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ पेयर्स ग्रुप बिलोंग्स टू मेटा डायरेक्टर ग्रुप। दोनों के दोनों जो मेटाएँ हैं वो ये हैं, नाइट्रो और सल्फोनी। पैरा मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, 1.4 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? तो देखो, N2 का मास 28 होता है और एट STP वॉल्यूम 22.4 होता है। 28 का आधा अगर करो तो 14 का 11.2 होगा। अब देखो, जब 14 का 11.2 है, तो दोनों साइड पर हम 10 से डिवाइड कर दें, तो 1.4 का 1.12 हो जाएगा। ईथर शोज द फिनोमेना ऑफ, देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता तो सही है, लेकिन यहाँ खाली ईथर की बात पूछिए ना, तो ईथर और कीटोन ऐसे हैं जिनमें मेटामेरिज्म होता है, तो बेस्ट चॉइस क्वेश्चन के तहत मेटामेरिज्म। फिर इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। भाई सीधी साधी बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ही यही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन HClO4 इज +7। द लीजेंड फील्ड इफेक्ट स्प्लिट 5d जनरेट ऑर्बिटल इंटू 2 सेट डिफरेंट एनर्जी। द पेयर ऑफ एनर्जी डी जनरेट ऑर्बिटल इज, तो ये हो जाएगा dx²-y²dz²। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर केमिकल नेम जो है जिंक OH-4 का, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट हो जाएगा। यूनिट्स ऑफ KSP फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो जनाब ये मोल क्यूब DM9 हो जाएगा। फिर चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। द यूनिट सेल पैरामीटर ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम आर, तो अब देखो इसमें क्या सिचुएशन होती है कि मैंने कहा था मोनोक्लिनिक के अंदर जो मेन फोकस होता है ABC तो कोई इक्वल नहीं होगा, लेकिन अल्फा गामा इक्वल होंगे, बीटा नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। चीफ होर ऑफ अलमोनियम Al2O3.H2O। फिर द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट अबाउट इनटू 2 or more डिफरेंट वेज इन 1 or several स्टेप इज नोन हैज, तो आंसर हो जाएगा हैस। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्चुअल MCQ था, विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलिंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। 2SO2 प्लस O2 गैस, फिर SO2 गैस या SO3 होगा, ठीक है, ∆H = -394, एक्सोथर्मिक है। अब मसला ये है KP के वाले से, स्टेटमेंट हो ए है वैल्यू ऑफ KP फॉल्स विद राइज इन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ KP फॉल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ KP इज इक्वल टू KC, वैल्यू ऑफ KP रिमेंस कॉन्स्टेंट विद राइज इन टेम्परेचर, इक्वल तो हो नहीं सकते। लेफ्ट पे 2 और 1 3 मोल्स हैं, राइट पे 3 है। अब ठीक है, KP का ताल्लुक प्रेशर से नहीं होता, आखिरकार है क्या? देखो सिंपल सी बात है, वी हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट आर चेंज इफ यू चेंज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, यानी KC और KP आर कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बट दे वेरी हैज़ द टेम्परेचर चेंज। यू कैन सी दैट हैज़ द टेम्परेचर चेंज इनक्रीज द वैल्यू ऑफ KP फॉल्स।
तो भाई प्रेशर से तो ताल्लुक नहीं है। अब के पी की वैल्यू फॉल्स होती है राइज इन टेम्परेचर पे, ठीक है भाई, राइज इन टेम्परेचर पे कांस्टेंट नहीं रहती। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखें, सी भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत। ऑफ कोर्स करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी स्टेटमेंट नंबर ए। के पी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? फॉल्स होगी जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे। फिर हाइड्रोजन रिजेंबल विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप्स, तो 1A से भी होता है, 4A से भी होता है, 7A से भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो आंसर होगा डॉटेड बॉन्ड्स। द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। एक्चुअली देखो नहीं, ये होता है नेचर ऑफ गैस, तो नेचर ऑफ गैस का क्या कोई ऑप्शन है? नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन रेजिडल गैस का है, तो ऑफकोर्स हम किसको टैग करेंगे? रेजिडल गैस को। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इस, तो भाई 8 को 32 से डिवाइड कर लो, आंसर हो जाएगा इसका 0.25 मोल। फिर व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? 2NO प्लस O2 यानी 2+1 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल इन एलिमिनेशन सल्फोनेशन इस SO3+H। ए कैटलिस्ट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन बाई डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। फिर विच ऑफ फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट? देखो ये एक्वारीजिया वाला रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट बनती है 2H2O + NOCl + 2Cl। फिर ये रिएक्शन दिखा रहे हैं नॉर्मल हेप्टेन को हीट आउट किया जा रहा है, तो इसके नतीजे में बनता है साइक्लोहेक्सेन। फिर वैल्यू ऑफ आर ऑफ कोर्स 0.0821 dm³ एटमोसफेयर मोल पर। देखें, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज DO2। अब ये बड़ी तगड़ी है, इनसे क्यों भाई बहुत तगड़ी, आए पूरा बताता हूँ। देखो, इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल वेयर द डी लेवल इज नॉट कम्प्लीटली फिल, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोमेट इन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल टू हाइयर डी ऑर्बिटल, ठीक है जी, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग एन अप्रोप्रिएट एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ 10 पजेस द अप्रोप्रिएट एनर्जी फॉर सच ट्रांजिशन। अब ये क्या कहानी है, ज़रा यहाँ ध्यान से देखते हैं बच्चों। कहानी कुछ इस तरह है कि जो होती है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, जो जो रीज़न हो सकते हैं, एक हो सकता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन, एक हो जा सकता है चार्ज ट्रांसफ़र, तीसरा है डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो है ना, जो तीन रीजन होते हैं उनमें से एक ही दिया हुआ है, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ट्रांसफ़र या एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर कह रहे हैं आयनिंग कंपाउंड A+ इज मोस्ट लाइकली, देखो ये तब बनता है जब जो पॉजिटिव वाला है ना इसकी IP बहुत लो हो और जो नेगेटिव वाला है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई हो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर SN रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देखिए, कॉपर जो होता है क्या होता है, टी डेंस सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। फिर मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, आंसर होगा डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। फिर sp3 हाइब्रिडाइज आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3 ऑर्बिटल। डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर सोडियम मेटल। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.56। ये देखो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत आता है यार, 1000 को ना वाटर के मॉलिक्यूलर वेट 18 से डिवाइड कर दो और यूनिट भी इसका होगा मोल पर लीटर, 55.56 मोल पर लीटर। फिर डायमंड इज बैड कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। फिर रिमिटिंग रिएक्टेंट इज वन विच गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड। फिर ट्राइटियम जो होता है उसमें क्या होता है, ये बड़ी अच्छी 100 MCQs है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डबल द नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो ना, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है। फिर टर्शरी ब्यूटाइल द कार्बन इज अटैच्ड टू, भाई तीनों तरफ आर होता है ना, तो जाहिर सी बात है नो हाइड्रोजन एटम। 1 किलोरी इज इक्वल टू
4.18। आप क्वांटम नंबर वैल्यू पूछ रहे हैं, एन प्लस एल नहीं पूछ रहे 2b का, तो ऑफ कोर्स ये 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए केमिकल नेम इस स्ट्रक्चर का कह रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड तो है, काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, और यहाँ ब्रांच है 3-thyl-1,4-hexa-diene ट्रिपल बॉन्ड है। एफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्ले थ्रू अ होल विद मॉलिक्यूलर डायमेंशन। अब देखो एक और पेपर की MCQs भी है, रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पिन होल, प्रेशर, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास, ऑफ कोर्स आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ देखो सोलिब्रेटिव प्रोडक्ट दी हुई है AgCl की और मॉलर कंसनट्रेशन पूछिए, तो भाई मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी क्लास में कि जो कांस्टेंट नंबर है इसका रूट ले लो, पावर को 2 से डिवाइड कर दो, -10 को 2 से डिवाइड करोगे -5, 2 का रूट होता है 1.41, तो इस जगह 1.41 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर डीएम क्यों। फिर नंबर कार्बन नंबर ऑफ कैसोलीन 5 से लेके 10 तक होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 हो जाएंगी, ऑर्बिटल सेम एनर्जी डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ टिंकल या बोरेस तो ये Na2B4O7.10H2। फिर डायपोल मोमेंट इनमें से 0 किसकी होगी, BF3 की, क्योंकि देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये नई बुक मेरी पूरे पाकिस्तान भर में अवेलेबल है, 2019 MDGATE केमिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन कंपाउंड हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक, तो HF 57% होता है, उसकी वजह इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बहुत है, हाइड्रोजन 2.1, फ्लोरीन 4, 1.9 यानी 1.7 से ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स 50% से ज़्यादा आयोनिक करेक्टर होगा। इसका IUPAC नेम पूछ रहे हैं, तो देखो भाई पहले ये वाले क्लोरो जो लीजेंड के अंदर है ये आएंगे डाईक्लोरो, फिर टेट्रामाइन, अब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ये क्लोरीन और एक ये, तो 3 हो जाएगी क्रोमियम की, और ये जो बाहर वाला है कॉम्प्लेक्स के इसको क्लोराइड लिखा जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, ट्रिक ये है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद हो तो सबसे ज़्यादा उसकी होती है, तो हम कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर भी कार्बन से ज़्यादा है, ठीक है जी। फिर हाउ मैनी एटमोसफेयर कंपोज टू 105, 760 से डिवाइड करो, ऑफ कोर्स साफ दिख रहा है 1.380 आंसर होगा। रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन E1, आपका देखें E1 एंड E2 कहलाते हैं, ठीक है, यूनिमोलिकुलर, तो ऑफ कोर्स यूनिमोलिकुलर होता है तो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का हमेशा 0 वोल्ट होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 1, σ, 2π। फिर विच ऑफ फॉलोइंग यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस एसिटाइलिन, जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 0.005 एटॉमिक मास।